नमस्कार दोस्तों, वाईफाई लाइव छत्तीसगढ़ के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की एक तिहाई जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों का है और जनसंख्या के आधार पर यह छठे नंबर पर आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातियों के बारे में और बात करेंगे उनके वेशभूषा, खान पान और उनके सांस्कृतिक और त्योहार के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल वाईफाई लाइव छत्तीसगढ़ पे नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। तो भाई, वीडियो को लंबा नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर पांचवा में है कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति का निवास स्थान मुख्यतः जसपुर, सरगुजा और सूरजपुर रायगढ़ जिले में है। इनकी उपजाति दिहारिया एवं पहाड़ी कोरवा है। दोस्तों, इनका मुख्य कार्य होता है कृषि कार्य करना, इस कारण इसे किसान कोरवा भी कहा जाता है। इस जनजाति को बेनबारिया भी कहा जाता है। कोरवा जनजाति का मुख्य त्योहार कर्मा होता है। दोस्तों, यह लोग पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर रहते हैं और इनकी जो पंचायत होती है इसे मयारी कहते हैं। दोस्तों, ये लोग मुख्यतः अपने शरीर पर आग से निशान लगा देते हैं, इसे दरहा कहते हैं और इनका मुख्य खान पान होता है हड़िया। इस लिस्ट में नंबर चौथा में है हलबा जनजाति। दोस्तों, यह मुख्यतः बस्तर, रायपुर, कोंडागांव, कांकेर और सुकमा में निवास करते हैं। इनकी उपजातियों में बस्तरिया और भदेतिया, छत्तीसगढ़ी आदि प्रमुख है। अधिकांश हलबा जनजाति के लोग शिक्षित होकर ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, अन्य समाज के संपर्क में आने पर इनके रीति रिवाजों में बहुत ही परिवर्तन हुआ है। तो भाई लोग, इस लिस्ट में नंबर तीसरा में है मड़िया जनजाति। दोस्तों, मड़िया जनजाति को बाइशन हार्ग भी कहते हैं। यह जनजाति का मुख्यतः निवास स्थान बस्तर क्षेत्र में है। दोस्तों, जात्रा पर्व के दौरान यहाँ की जनजाति भैंस के सिर को टोपी बनाकर नृत्य करते हैं, इसे ही बाइशन हार कहते हैं या फिर गौर नृत्य कहते हैं। इनका पेय पदार्थ शल्फी होता है। मड़िया की उपजाति अबुज माड़िया है। तो संगवारियों, इस लिस्ट में नंबर दूसरा में है बैगा जनजाति। दोस्तों, इनका मुख्य पेय पदार्थ ताड़ी होता है। दोस्तों, अगर आपको छत्तीसगढ़ में कहीं भी सबसे ज्यादा गोधना गोधाते हुए दिखे या फिर आज के जमाने में टैटू कहा जाता है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है तो वह बैगा जनजाति से बिलोंग करता है। बैगा लोग एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। इस जाति के लोग झाड़ फूंक और अंधविश्वासों जैसी परंपराओं में विश्वास करते हैं। इस जाति का मुख्य व्यवसाय झूम खेती एवं शिकार करना है। दोस्तों, इस जाति के लोग शेर को अपना अनुज मानते हैं। दोस्तों, इस जनजाति का मुख्य देवता बूढ़ा देव है जो साल वृक्ष में निवास करते हैं। दोस्तों, आगे नंबर फर्स्ट में है गौड़ जनजाति। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली जनजाति गौड़ जनजाति है। इसका मुख्य देवता दुल्हा देव होता है। दोस्तों, गौड़ जनजाति का मुख्य मनोरंजन का साधन है नृत्य एवं गायन और इनकी कृषि प्रथा को डिप्पा कहते हैं। इस जनजाति में विधवा तथा बहुविवाह का प्रचलन भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों, यह जनजाति अपने आप को बहुत ही बलशाली मानते हैं और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ में। यह जनजाति बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, सुकमा और जांजगीर चांपा जैसे जिलों में पाए जाते हैं और इनके प्रमुख देवता होता है बड़ा देव, नाग देव, नारायण देव। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल वाईफाई लाइव छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।